कोरोना वायरस के आज दिन भर की तमाम अपडेट्स पर नजर डालते हैं। 10 बड़ी खबरें जानेंगे। सबसे पहली खबर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस नेता अहमद पटेल भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। उन्होंने खुद ट्वीट करके बात की जानकारी दी है। वो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं अहमद पटेल। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अहमद पटेल कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए। पटेल ने कहा दोस्तों कि वे सभी लोग जो बीते कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए उनका कोरोना टेस्ट करवा लें। इसके अलावा एक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ, देखिए जरा कि कोरोना काल में भी बड़े वर्ग के लोगों की आय प्रभावित नहीं हुई है। जी हाँ, हालांकि कोरोना महामारी के दौर में कई हजारों नहीं लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, कई लोगों की आय भी प्रभावित हुई, राइट। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि बड़े वर्ग के जो लोग है ना, यानी कि रिच पर्सन जो है ना, उनकी आय प्रभावित नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपने वो चीज तो सुनी होगी कि अमीर अमीर बनता जाता है और गरीब हमेशा गरीब रह जाता है, यही सिस्टम कोरोना काल में भी देखा गया। एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार नौकरी पैसा उपभोक्ताओं में से जिन्होंने मोरेटोरियम लिया उनमें से एक तिहाई से अधिक लोगों के वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लोन मोरेटोरियम लेने के पीछे एक प्राथमिक कारण उनकी नौकरी खोने का डर हो सकता है। भविष्य में वेतन में महत्वपूर्ण कटौती या मोरेटोरियम के दौरान भी ब्याज देने के नियम का ना पता होना भी हो सकता है, तो ये कुछ मसला चल रहा है। इसके अलावा खबर देखिए, रूसी राष्ट्रपति पुतिन खुद लगाएंगे कोरोना का टीका, मींस उनके खुद के लगवाएंगे वो कोरोना का टेस्ट टीका। क्या ट्रायल खत्म होने का इंतजार करेंगे या फिर पहले से ही? दरअसल दोस्तों, कोरोना वैक्सीन पर मची होड़ के बीच रूस ने अगस्त में पहला टीका तैयार करने की घोषणा तो कर दी, लेकिन दुनिया भर के कई देश इससे भी चौंक गए और फिर रूसी वैक्सीन पर सवाल भी खूब उठाए गए। बहुत सारे विशेषज्ञों द्वारा इसे पूर्णतः सुरक्षित नहीं बताए जाने के कारण रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के प्रति कई देश रुचि भी नहीं दिखा रहे। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैक्सीन लगवाने का इरादा कर चौंका दिया। जी हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक अपनी आगामी संभावित विदेश यात्रा से पहले राष्ट्रपति पुतिन खुद कोरोना का टीका लगवाएंगे कि आखिर इससे क्या इफेक्ट पड़ता है बॉडी पर, है ना। ये वाकई में बहुत ही अमेजिंग है कि कोई देश का राष्ट्रपति खुद अपने ऊपर वैक्सीन का टेस्ट करवा रहा है। देखते हैं आखिर इसका क्या नतीजा रहता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत में कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो कोरोना वायरस को लेकर सितंबर का महीना सबसे बुरा रहा। भारत में तकरीबन 41% नए केस आए और 34% लोगों की मौत भी हुई। जी हाँ, इंडिया में कुल कोरोना आंकड़ों में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 52 लाख के पार पहुंच चुकी है, जबकि एक ही दिन में 86,000 से भी ज्यादा संक्रमित मामले देखे गए। पिछले 24 घंटों का आंकड़ा है। आज का 1 अक्टूबर का ताजा आंकड़ा बात करें तो 63 लाख से ज्यादा कुल संक्रमित केस हो चुके हैं, जिनमें से 9,40,000 से भी ज्यादा लोग सक्रिय हैं, यानी कि एक्टिव हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 52 लाख से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। 52,73,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से ठीक हो चुके हैं ना। इस वायरस के चलते मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 98,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये रहा भारत का ताजा कोरोना का आंकड़ा। और इसी बीच बड़ी खबर देख सकते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर देश में संक्रमितों का आंकड़ा तो 63 लाख के पार पहुंच चुका है, लेकिन एक अच्छी बात यह कि रिकवरी रेट में लगातार बढ़ोतरी होती ही जा रही है। जहां यानी कि ठीक होने वाले लोगों की संख्या का जो प्रतिशत रेशियो है ना दोस्तों, वो बढ़ता जा रहा है। बुधवार को केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन अनलॉक 5 की भी जारी हुई थी, आपको पता होगा। और ऐसे में अनलॉक 5 में देश में कई जगहों पर छूट मिली और कई जगहों पर पाबंदी लगी। आज से 1 अक्टूबर से ये अनलॉक 5 की गाइडलाइन लागू हो चुकी है। गृह मंत्रालय ने प्रेस नोट जारी करके कहा दोस्तों कि आज जारी किए गए दिशा निर्देश राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मिले फीडबैक और केंद्रीय और विभागों के बीच हुई लंबी चौड़ी चर्चा पर आधारित है। कई चीजों में डील दी थी, आपको पता होगा। 15 अक्टूबर के बाद से मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल वगैरह 50% क्षमता के साथ खोले जाने की इजाजत होगी, यानी कि 15 अक्टूबर के बाद आप थिएटर में मूवी वगैरह देखने जा सकते हैं। इसके अलावा खिलाड़ियों के लिए भी स्विमिंग पूलों को खोलने की अनुमति दे दी है 15 अक्टूबर के बाद, लेकिन खास व्यवस्थाओं के साथ में। मनोरंजन पार्क भी इसी तरह के स्थानों को खोलने की अनुमति मिलेगी, जहां पर कंटेनमेंट जोन वगैरह नहीं है वहां पर खुल सकेंगे। इसके लिए भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय SOP यानी कि गाइडलाइंस जारी करेगा। स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट, एजुकेशन संस्थान को खोलने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को 15 अक्टूबर 2020 के बाद इन्हें श्रेणीबद्ध यानी कि तरीके से खोलने का निर्णय लेने की छूट दी है। लेकिन इससे पहले भी केंद्र सरकार का यह कहना कि पेरेंट्स अभिभावकों से जरूर राज्य सरकारें बात कर ले, ताकि माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं या नहीं इसका भी पता चल सके। तो ये कुछ अनलॉक 5 की गाइडलाइंस भी जारी हुई, मैंने आपको बताया भी था सुबह मॉर्निंग के टुडे ब्रेकिंग न्यूज के DLS न्यूज के अपडेट में भी। चलिए फिलहाल बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए, कोरोना वायरस के कारण सिर्फ लैटिन अमेरिका में कम से कम 3.7 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। जी हाँ, बड़े ही चौंकाने वाली बात है दोस्तों, कोरोना ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी की तहस नहस करके रख दी है। लोगों के हालात ऐसे कर दिए बदतर से बदतर, जितना शायद पिछले 50 सालों में अभी तक कोई भी बड़ी महामारी नहीं कर चुकी होगी। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बताया कि कोरोना वायरस के कारण लैटिन अमेरिका में कम से कम 3.7 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। ILO ने क्षेत्र के देशों से समस्या से निपटने के लिए तत्काल रणनीतियों को अपनाने की अपील भी की है। यह आंकड़ा ILO के अगस्त की शुरुआत में लगाए गए अनुमान से ज्यादा है। उस अनुमान के अनुसार 1.4 करोड़ लोगों की नौकरी गई थी। लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए संगठन के निदेशक विनीशियस पिनेरो ने इसे एक अप्रत्याशित चुनौती भी बताया। तो ये कुछ मसला चल रहा है। और इसी बीच अगली खबर देख सकते हैं, दिल्ली, पंजाब और केरल में कोरोना की दूसरी लहर भी आ चुकी है। एक्सपर्ट ने चेतावनी जारी की है कि दशहरा और दीपावली के आसपास कोरोना का बम फूट सकता है। दरअसल आपको बता दूं कि देश के कुछ राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर का खतरा जारी है। विशेषज्ञों ने यानी कि एक्सपर्ट ने यहां पर चेतावनी अलर्ट जारी की, सतर्कता बरतने की लोगों को चेतावनी दी।
दी हैं। राजधानी दिल्ली और केरल में भी कोरोना की दूसरी लहर का अंदेशा है, क्योंकि सर्दी के मौसम में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है विशेषज्ञों के द्वारा। हालांकि आज से अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी हो चुकी है, जिसमें काफी कुछ चीजें खुलने जा रही है, लेकिन एक्सपर्ट का यह कहना दोस्तों कि देश के कुछ राज्यों में ये जो त्यौहार वगैरह आ रहे हैं, इस पर खास ध्यान रखने की जरूरत होगी। बड़े त्यौहारों पर मास्क को कभी भी नजरअंदाज ना करें, चाहे त्यौहारी सीजन हो, दीपावली, दुर्गा पूजा, छठ, दिवाली जैसे इस तरह के त्यौहारों में मास्क जरूर पहने। ऐसे में हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अपनी खुशियों का एहतियात मनाने के साथ साथ आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान जरूर रखना होगा। इंडोर या आउटडोर में ज्यादा भीड़ भाड़ से इस जानलेवा वायरस को ज्यादा लोगों को कम समय में संक्रमित करने का मौका मिलेगा, और ऐसे आयोजन सुपर स्प्रेडर इवेंट हो सकते हैं। इसीलिए जहां तक हो सके दोस्तों, भीड़ भाड़ वाले प्रोग्राम में कतई न जाएं और गलती से भी जाने की गलती न करें। इसके अलावा एक खबर देखिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में 8 सालों का सबसे बड़ा उछाल देखा गया, कोरोना के कहर से अर्थव्यवस्था की रिकवरी के संकेत भी दिख रहे हैं। हालांकि कोरोना ने देश और दुनिया की इकोनॉमी की भेंट बजा दी, लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे इकोनॉमी रिकवर हो रही है, इसको लेकर कुछ अच्छी खबरें मीडिया में आ रही। एक खबर देखिए ऐसे ही कि कोरोना कहर से भारतीय अर्थव्यवस्था के उभरने के संकेत मिल रहे हैं, मतलब कि सितंबर महीने में भारत में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी 8 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर रही है। निकेई मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में ये बात सामने निकल कर आ रही है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन में तेजी से ढील दिए जाने और गतिविधियों के बढ़ने से ये इजाफा मिला। हालांकि इस दौरान भी कर्मचारियों की छटनी जारी है, यानी कि नौकरी, बेरोजगारी ये फिर भी चिंता का कारण बना हुआ। साल 1997 के बाद पहली बार जून तिमाही में 23.9% की बड़ी गिरावट दर्ज करने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का बढ़ना एक अच्छा संकेत है। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां कोरोना सबसे तेजी से पैर पसार रहा, और हालात अगर यही रहे दोस्तों तो बहुत जल्द भारत दुनिया में नंबर 1 पर आ जाएगा जिस कंट्री में कोरोना के सबसे ज्यादा केस होंगे। हालांकि अभी अमेरिका, फिर इंडिया आता है, उसके बाद ब्राजील वगैरह आपको पता होगा। तो देखते हैं आगे और क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए, सुपर स्प्रेडर से फैला 60% कोरोना का संक्रमण। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आंकड़ों ने लोगों को चौंका दिया, विशेषज्ञों को, एक्सपर्ट को, वैज्ञानिकों को भी चौंका के रख दिया। हाल ही में एक स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ। जी हाँ, ये आखिर दोस्तों सुपर स्प्रेडर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल बात कुछ यूं है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की स्टडी की गई। विश्व में शायद सबसे बड़ी कोरोना की स्टडी है, जिसमें तकरीबन 5,75,000 से भी ज्यादा लोगों पर संक्रमण का एक पैटर्न को स्टडी किया गया है ना, जिसमें से 85,000 लोग संक्रमित निकले। इसमें यह भी पाया गया कि कोविड-19 में बच्चे एक्टिव स्प्रेडर हैं। जी हाँ, वाशिंगटन के सेंटर फॉर डिजीज डायनामिक्स, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसीज के डायरेक्टर रमनान लक्ष्मी नारायणन ने स्टडी का नेतृत्व किया, और इसमें यह भी पाया दोस्तों कि 40 से लेकर 69 वर्ष की उम्र के लोगों में मृत्यु दर भी ज्यादा है। इसके अलावा संक्रमण का सबसे बड़ा कारण यात्रा को माना गया। विशेषज्ञों ने माना कि इस उम्र के भारतीय बीमारियों से लड़ना जानते हैं। इसके अलावा स्टडी में यह भी पाया गया कि व्यक्ति मृत्यु से पहले दोनों राज्यों में औसतन 5 दिन अस्पताल में भर्ती रहा, जबकि अमेरिका में यह दर 13 दिन है। वहीं रिसर्च को लीड करने वाले रमनान ने कहा कि सुपर स्प्रेडर को एक घटना के लिए गलत भी मान लेते हैं, लेकिन हमारी स्टडी में संक्रमित व्यक्तियों का 10वां भाग अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा संक्रमित फैलाता हुआ पाया गया। ये भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। तो ये देखिए जरा, कुल मिलाकर के होम आइसोलेशन में रहने वाले और रूम शेयर करने वाले संक्रमित का शारीरिक संपर्क और निकटता को उच्च जोखिम में गिना गया। इसके अलावा उच्च जोखिम के मापदंडों में बिना जिन्होंने रूममेट्स वगैरह हो गए, इनसे भी ज्यादा कोरोना फैला। इसके अलावा बसों में यात्रा करने से भी कोरोना के संक्रमण का खतरा ज्यादा बना। तो ये कुछ मसला चल रहा। आप पब्लिक बसों में, पब्लिक व्हीकल में ट्रेवल करने से पहले जरूर अलर्ट रहें, अपनी खुद की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें, है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, एक अच्छी खबर देखिए। मध्य प्रदेश में प्राइवेट लैब्स अस्पतालों पर सरकार ने अंकुश लगा दिया और कोरोना टेस्ट में रेट तय कर दिए। जी हां, मध्य प्रदेश में प्राइवेट लैब में कोरोना की जांच के लिए सरकार ने रेट तय कर दिए। अब कोई भी लैब या प्राइवेट हॉस्पिटल उससे ज्यादा पैसा नहीं वसूल पाएगा, अगर वसूला तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस बीच राहत भरी खबर यह भी है कि पिछले 4 महीने में कोरोना संक्रमितों की संख्या और मृत्यु दर दोनों ही मध्य प्रदेश में कमी आई। कोरोना की जांच कराने के लिए लोगों पर अब खर्च का कुछ ही ज्यादा बोझ पड़ रहा है, क्योंकि अन्य राज्यों के मुकाबले मध्य प्रदेश में टेस्ट और इलाज के रेट काफी ज्यादा है। जिस तरह से प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है, उसे देखते हुए सरकार ने जनता को राहत देने का आदेश जारी कर दिया। प्राइवेट लैब में कोरोना टेस्ट के नाम पर मनमाने पैसे अब आपसे नहीं वसूले जाएंगे, जबकि सरकार ने टेस्ट के लिए रेट तय कर दिए। RT-PCR टेस्ट यानी कि कोरोना की जांच के लिए अब 1200 रुपए प्रति मरीज सैंपल अगर घर से देता है, तो उसके 200 रुपए अतिरिक्त यानी कि 1400 रुपए प्रति मरीज ले सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है ना। इसी तरह से एंटीजन टेस्ट के लिए मात्र 900 रुपए देने पड़ेंगे अगर घर से सैंपल लेने आते हैं, तो फिर 200 रुपए एक्स्ट्रा यानी कि 1100 रुपए एंटीजन टेस्ट के लिए। तो ये सरकार ने कोरोना टेस्ट और जांच इलाज वगैरह के लिए रेट लिस्ट तय कर दिए। मध्य प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से ये अपडेट है। ओके दोस्तों, तो इस अगड़े में ये कोरोना के आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर में आपके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले अपडेट भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि रोजाना आपको काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाए ना, तो आप DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।